आज की हमारी आंवला रेसिपी है। हम लोग बनाएंगे आंवला मुरब्बा। ताज़े ताज़े आंवले मार्केट में बहुत अवेलेबल है, जिससे हम लोग आंवले का मुरब्बा बनाएंगे बिल्कुल बाज़ार जैसा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आंवले ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 किलो आंवले लिए हैं, उसे अच्छे से धो के साफ कर देंगे। बोला जाता है आंवले जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत सारे विटामिन्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आंवले लेके उसे अच्छे से धो के साफ कर लेंगे और उस पर देखिए इस तरह से प्रिक करना है। नाइफ का या फोक का इस्तेमाल करके हम लोग इस तरह से इसे अच्छे से गूंद लेंगे। जैसे जब ये आंवले बने तो चाशनी अंदर तक जाए। प्रिक करने के टाइम पे ध्यान दें कि आपके हाथ पे फोक लगे ना। इसी तरह से ही सब आंवले गूंद लेंगे हम लोग, देखिए। और जैसे मैंने बताया, फोक का इस्तेमाल करने के टाइम पे ध्यान दें, आपके हाथ पे चोट ना आए। सब आंवले प्रिक करने के बाद इसे अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे हम लोग। वॉश करने के बाद इसमें पानी भर लेंगे और इसमें डालेंगे हम लोग चूना। यहाँ पे मैंने देखिए एक जो पैकेट आता है उसका इस्तेमाल किया है, लगभग आधे चम्मच के करीब है ये। इसे पहले अच्छे से पानी में घोल लेंगे, बिल्कुल लम्स ना हो। उसके बाद इसे हम लोग डाल देंगे आंवलों में, मिक्स कर देंगे इसे। और इसमें डालेंगे फिटकरी, जिसे एलम भी कहा जाता है, लगभग 1/4 स्पून के करीब है, ज़्यादा नहीं डालनी है। इसे अच्छे से मिक्स करके ढक के रख देंगे रात भर, लगभग 12 घंटे के लिए। इसके बाद नेक्स्ट डे इसे हम लोग इसमें से निकाल देंगे। देखिए आंवलों का कलर चेंज हो चुका है, ग्रीन में से ये येलोइश हो चुके हैं। अभी इसे वॉश करना है हमें, तो वॉश करने के लिए हम लोग इसे अच्छे से पानी में धो लेंगे। 4 से 5 बार धोना है, जैसे इसमें चूना और जो फिटकरी रहे वो अच्छे से साफ हो जाए। तो हर बार पानी में इसे वॉश कर लेंगे। ये मैं फर्स्ट टाइम वॉश कर रही हूँ, देखिए इसमें से वाइट वाइट निकल रहा है चूना। फिर से इसे निकाल के हम लोग दूसरे बाउल में डालेंगे। इसी तरह से ही 3 से 4 बार प्रोसेस करेंगे, हमें 4 से 5 बार इसे वॉश करना है। तो ये जैसे फर्स्ट टाइम हुआ, फिर सेकंड टाइम, फोर्थ, ऐसे करके हम लोग 4 से 5 बार इसे अच्छे से वॉश कर देंगे, जब तक जो बाउल में पानी है क्लियर आए। और पानी में डालने के बाद इसे अच्छे से पहले मिक्स करना है हाथों से या चम्मच से, इसे रगड़े जैसे अंदर जो चूना हो निकल जाए। वॉश करने के बाद अभी इसे हम लोग एक पैन में ले लेंगे। पैन में मैंने पहले ही पानी डाल दिया है, अंदाजन ऐसे ही पानी डालना है। और उसमें आंवले डाल के हम लोग इसे रखेंगे गैस पे, और पानी इतना डालना है सब आंवले डूब जाए इसमें। और आंवलों को हमें उबालना है, लगभग 5 से 7 मिनट इसे उबालेंगे, जैसे आंवले जो है सॉफ्ट हो जाए और उसमें बचा हुआ जो चूना होगा वो भी निकल जाएगा। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, हल्के हल्के ट्रांसपेरेंट होने चालू हो गए हैं ये। और आप लोगों को हाथ भी लगा के देखेंगे, अगर ये आपको सॉफ्ट लगते हैं तो गैस ऑफ कर दें। और गैस ऑफ करने के बाद ये गरम आंवले जो हैं पानी निकाल के ठंडे पानी में डाल दें, तब तक इसे आंवलों को पानी में रख देंगे। तब तक इधर दूसरा पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे शक्कर। 1 किलो आंवले हैं तो 1 किलो शक्कर लेना है यहाँ पे। और इसमें 1 कटोरी पानी डालेंगे,
आधा चम्मच इसमें डालेंगे काला नमक, आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए शक्कर पिघलना स्टार्ट हो गई है। इसमें हम लोग डालेंगे आंवले जो हमने बॉईल करके रखे थे, तो उसका पानी ड्रेन करके आंवले सिर्फ डालेंगे इसमें। आंवले डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद इसे हमें उबालना है और इसकी चाशनी बनानी है। तो देखिए मैंने इसे उबालने के लिए रखा है। पहले तो इसमें से पानी छूटेगा, आंवलों में से भी पानी निकलेगा और शक्कर भी पिघल जाएगी तो उसका भी पानी होगा। तो इसे कंटिन्यूस हम लोग उबालेंगे। आंच को पहले तेज़ ही रखना है। देखिए उबाल आना शुरू हो गया है इसमें। कंटिन्यूस उबालने के बाद बीच में हम लोग इसे ढक देंगे, जैसे आंवले अच्छे से पक जाए। आंच को मीडियम रखना है वो टाइम पे। जैसे जैसे उबालेंगे चाशनी जो है थिक होती जाएगी। इसमें लगभग आधा घंटा लगेगा, जिसमें आंवले जो हैं पकते भी जाएंगे और चाशनी थिक होती जाएगी। आंच को पहले तेज़ रखना है, बाद में मीडियम करके ढक्के से पकाना है, और फिर से इसे हम लोग तेज़ आंच करके और पकाएंगे। देखिए चाशनी थिक हो गई है, उसे चेक करेंगे फिंगर से। अगर एक तार की चाशनी बनती है मीन्स हमारा मुरब्बा जो है रेडी है। अभी देखिए चाशनी काफ़ी पतली है, तो इसे थोड़ा और उबालेंगे हम लोग। आंवले लगभग हमारे पक चुके हैं, पर चाशनी को हमें और पकाना है। देखिए इस तरह से चेक करेंगे, एक तार की चाशनी बन रही है मीन्स गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। देखिए ठंडे होने के बाद चाशनी जो है गाढ़ी हो जाती है, जिस तरह से शहद होता है हनी, उस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। देखिए ये लगभग 2 दिन के बाद चाशनी इस तरह से हो जाएगी। 2 से 3 दिन हम लोग इसे आंवलों को चाशनी में ही रहने देंगे, जिससे चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, और उसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल बाजार के जैसे आंवले बनेंगे। देखिए चाशनी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल शहद की तरह है। चाशनी अच्छे से पकी हुई रहेगी तो आंवले जो है ख़राब नहीं होते हैं, काफ़ी समय तक चलते हैं। देखिए कंसिस्टेंसी, तो एक बार ज़रूर बनाइए आंवले ये घर पे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।